हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकीज एंजल। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया और चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड वी आर डेफिनेटली ग्रोइंग ऑल्सो। प्लीज़ आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कीजिए, वहाँ मैं काफ़ी सारे पोस्ट करती हूँ, आपको कार्ड ऑफ द मंथ बताती हूँ, एफर्मेशन ऑफ द मंथ बताती हूँ। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आपको सिर्फ क्लिक करना है और फॉलो करना है। ऑल्सो ये महीने जैसे हम 3 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट करते हैं, तो वो करूँगी मैं आप सब लोगों। अगर आप ये एंजल आंसर देख रहे हैं, उसके लिए आपको एक सिचुएशन आपके दिमाग में प्री मेडिटेट करनी होगी। जैसे 2 मिनट आपको आंख बंद करके वो सिचुएशन के बारे में सोचना होगा और उसी सिचुएशन का आंसर आपको एंजल्स। एंड वी मूव ऑन टू एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल आंसर। तो देखते हैं इस महीने टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और एंजल्स आपको क्या आंसर दे रहे हैं। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि मे बिगनिंग में ना आपका सब कुछ सही लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि यू नो जैसे मैं सोच रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही राह पे चल रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज मेरे तरफ आ रही हैं मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ। बट जो सेकेंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो। अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंगली नहीं होती है तो आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो। बट टैरो कार्ड आपको बोल रहे हैं ना, आपको वो एनर्जीज अपने अंदर नहीं लानी है, आपको कुछ काम नहीं हो रहा है, स्टिल आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज आगे चल के आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसे अगर आप ये कार्ड देखें, ये भी कार्ड है कार्ड ऑफ सॉर्ड्स का, तो लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज है, बट जस्ट बिकॉज एट द मोमेंट आपको नहीं दिख रही है तो आपको लो फील नहीं करना है, आपको नेगेटिव फील नहीं करना है। ओवरऑल अगर आप देखें तो तीनों कार्ड हमारे पास कार्ड ऑफ सॉर्ड्स के ही आए हैं, जिसका बोलने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रगल कर रहे हो अपने फील्ड में, स्ट्रगल कर रहे हो हर एक चीज़ को पाने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इजी नहीं आ रहा है, यू नो कुछ भी लाइफ में जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। आपके मन में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप डिजर्व करते हो ये वो, तो एट द मोमेंट थिंग्स डोंट लुक वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। डेफिनेटली देर इज स्ट्रगल, डेफिनेटली देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट ये बता रहा है कि ये कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं है। यू नो इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट यू आर वर्किंग हार्ड, इवेंचुअली आपका सक्सेस आपको दिखेगा, जितने आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। बट एट द मोमेंट थिंग्स आर नॉट फेवरिंग यू, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड वर्क इवन हार्डर। यस, सो आई होप ये टैरो गाइडेंस आपको हेल्प करे। और जो एंजल आंसर है आपके लिए वो है कॉम्प्रोमाइज। एंजल्स आपको बता रही हैं जो भी क्वेश्चन आपने सोचा था बेसिकली दिमाग में, जो भी सिचुएशन आपने सोची थी वो 100% आपके फेवर में नहीं है। यू नो कहीं ना कहीं आपको वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी आपकी सिचुएशंस आपके लिए बेटर होगी। एट द मोमेंट आपका जो माइंड है वो बहुत ही फर्म है, बहुत ही जिद्दी है कि नहीं ये ही चाहिए, बट थिंग्स नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो नहीं हो रही है तो आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, आपका जो ओवरऑल स्वभाव नेचर में इफेक्ट हो रहा है, और उस वजह से आप थोड़े नेगेटिव जोन पर चले जा रहे हैं। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं वो सिचुएशन बेसिस जो आपने क्वेश्चन सोचा है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए एंड यू विल सी कि वो कॉम्प्रोमाइज वर्थ इट था। आप फिर डेफिनेटली वो जो एक सक्सेस है, हैप्पीनेस है, वो इवेंचुअली आपकी तरफ ही आएंगी। तो डेफिनेटली गो एंड डू दैट लिटिल कॉम्प्रोमाइज एंड आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। तो ये थी आपकी टैरो और एंजल मैसेज। आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।